दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। अभी अभी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया गया है। और अच्छी बात यह है कि जहां पर जिस स्कूल पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे, वहां पर ही उन अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने संबंधी मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने बड़ा ऐलान अभी अभी कर दिया है। अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार राज्य का मामला है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अतिथि शिक्षकों को रेगुलर शिक्षक बना दिया है। जहां पर वह अतिथि शिक्षक के रूप में थे, उन्हीं पदों पर वैसी स्कूल पर वह अब रेगुलर शिक्षक की तरह काम करेंगे। रेगुलर शिक्षक बन चुके हैं, रेगुलर शिक्षक के सभी लाभ उनको मिलेंगे। आप वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ ही आप जिस राज्य से हैं वहां के रहे थे, हम आपको बता देते हैं। लोग का हो रहा था कि भाई जो इन लोगों को बनाएंगे सरकारी शिक्षक तो उनको लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग, ये सब बात हुई थी। लेकिन मैं आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए कहा है, जहां है तो वही सब हम लोगों का आप सब लोगों के हक में है, क्योंकि पहले ही बना कोई। तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोगों की सरकार थी, उसे हम लोगों ने दिया, आप ही करिए। अब बाद में फिर अभी कर रहे हैं तो आप सबको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, तो सब लोग सरकारी शिक्षक रहेंगे। आप पहले भी जो बने थे नियोजित शिक्षक तो उनको तो पैसा तो सरकार ही ना दे रही थी भाई। आज शुरू किया था शुरू से 4,000-5,000 शुरू करके फिर कितनी बड़ी संख्या में सबको जो शिक्षक का होता उतना ही पैसा दिया, तो अब तो सबको सरकारी भी बना रहे हैं। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि ये सब काम हो रहा है और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के